वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड, कंप्यूटर चैप्टर 3, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का यूज़। चिल्ड्रंस कंप्यूटर आज वेरी यूजफुल टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस। वी विल रीड अबाउट वेयर कंप्यूटर कैन बी यूज्ड। बच्चों, हमने कंप्यूटर को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं और कई तरह के काम भी कर सकते हैं एट डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह पर। और अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज, वो जगह जहाँ कंप्यूटर को हम यूज़ कर सकते हैं, एट होम। एट होम अ कंप्यूटर इज़ यूज टू डू डिफरेंट जॉब्स, सम ऑफ देम आर गिवन ब्लो। कंप्यूटर को हम अपने घर पर कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग कार्य में। टू सर्च इन्फॉर्मेशन, हम किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। टू प्ले गेम्स, गेम खेल सकते हैं। टू डू ड्राइंग, टाइपिंग एंड अदर वर्क, टाइपिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं और भी काम कर सकते हैं। टू वॉच वीडियो, वीडियो देख सकते हैं। फॉर बुकिंग ऑफ फ्लाइट, मूवीज़ एंड होटल टिकट्स, हम फ्लाइट की, मूवी की और होटल की टिकट घर बैठे कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं। फॉर ऑनलाइन परचिंग द सेलिंग, हम खरीदारी भी कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन कर सकते हैं। इन स्कूल स्टूडेंट लर्न हाउ टू वर्क ऑन कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैब। स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो कंप्यूटर का यूज़ कंप्यूटर लैब में करते हैं। टीचर्स यूज़ कंप्यूटर फॉर मेकिंग रिजल्ट, टेस्ट पेपर, वर्कशीट, ETC। और जो टीचर्स होते हैं वो कंप्यूटर का यूज़ पेपर बनाने में, रिजल्ट बनाने में और वर्कशीट को तैयार करने में यूज़ करते हैं। कंप्यूटर आर यूज्ड इन स्कूल टू प्रोवाइड मेथड ऑफ टीचिंग इन डिफरेंट वेज। और टीचर जो है कंप्यूटर का कई तरह से इस्तेमाल पढ़ाई में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन बैंक। कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंक टू मेंटेन द कस्टमर्स अकाउंट्स। कंप्यूटर द्वारा हम जो कस्टमर होते हैं उनके अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। दे आर यूज टू रन कर्टेन ट्रांसलेशंस डेट प्रोसेस द कस्टमर इंफॉर्मेशन। और जिससे हम कंप्यूटर द्वारा कस्टमर से लेन देन पैसों का लेन देन कर सकते हैं। द कस्टमर इन्फॉर्मेशन और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भी इसमें सेव कर सकते हैं। इट गिव्स सेवरल बेनिफिट्स सच एज सेव टाइम एंड कन्वेंस फॉर कस्टमर, जिससे कि कंप्यूटर द्वारा कार्य करने से हमारा टाइम बचता है और हमारा कस्टमर भी खुश रहता है। नेक्स्ट है हमारा इन ऑफिस। कंप्यूटर आर यूज इन ऑफिस टू कीप ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एम्प्लॉय। कंप्यूटर हम ऑफिस में किस तरह यूज़ करते हैं, इससे हम कई तरह की ज़रूरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड जानकारियाँ इसमें एम्प्लॉय की रख सकते हैं। दे आर यूज फॉर मेकिंग प्रजेंटेशंस, टाइपिंग लेटर्स, ETC। दे ऑल्सो हेल्प इन रिसीविंग एंड सेंडिंग ईमेल। जो एम्प्लॉय होते हैं काम करने वाले ऑफिस में, वो कई तरह की काम करते हैं इससे, कंप्यूटर से टाइपिंग लेटर्स और अपनी जो फाइल होती है उसे तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं और ईमेल वगैरह, लेन देन वगैरह, ईमेल भेजना करना एक दूसरे को, ये कार्य हम ऑफिस वर्क जो भी होता है वो इससे कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं। इन हॉस्पिटल, कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल टू मॉनिटर पेशेंट। दे आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट, डॉक्टर्स, medicines or other chemicals and equipment। कंप्यूटर द्वारा हम हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट होते हैं उनकी जानकारी को उसमें रख सकते हैं, उन्हें कौन सी दवाई दी जाती है, कौन डॉक्टर देख रहे हैं, यानी सारी जानकारियाँ। और जो हमारे पेशेंट होते हैं उनका चेकअप भी कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। कई मशीनें कंप्यूटर जैसी होती हैं जिनसे हम पेशेंट को चेकअप करते हैं और सारी जानकारियाँ, दवाइयाँ, उनकी जो लिस्ट होती है कौन कौन से पेशेंट किस समय आए थे, वो सारी जानकारियाँ कंप्यूटर द्वारा हॉस्पिटल के अंदर रखी जाती हैं। नेक्स्ट है इन पुलिस स्टेशन। कंप्यूटर आर यूज्ड इन पुलिस स्टेशन फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल्स एंड आल्सो हेल्प इन ट्रेकिंग क्रिमिनल्स। कंप्यूटर द्वारा पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड रखे जाते हैं जो चोर होते हैं उन लोगों के, एंड आल्सो हेल्प इन ट्रेकिंग क्रिमिनल्स। और इनके द्वारा हम क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं, उनका ट्रैकिंग यानी उनकी जानकारी निकाल सकते हैं।
इट कैन आल्सो रिकॉर्ड द फिंगरप्रिंट्स ऑफ केमिकल्स, और इनके द्वारा हम जो चोर होते हैं और क्रिमिनल्स जो होते हैं उनकी फिंगरप्रिंट्स निकाल कर उन्हें पकड़ सकते हैं। एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, कंप्यूटर आर यूज फॉर बुकिंग टिकट्स एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। अ कंप्यूटर आल्सो गिवन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्टर ऑफ ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। कंप्यूटर द्वारा हम रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पर जो भी टिकट बुकिंग होती है वो कर सकते हैं, और एरोप्लेन और ट्रेन्स की जो हमारे जो लोग हैं ना ट्रैवल करते हैं, जो घूमते हैं, उन लोगों के टिकट वगैरह कंप्यूटर द्वारा ही बुकिंग किए जाते हैं, कंप्यूटर द्वारा ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन डिज़ाइनिंग मैनी थिंग लाइक क्लॉथ्स, हाउसेस, कार्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, मशीन्स, ETC आर ब्यूटीफुल डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा हम कपड़ों का, घर का, कार का, एरोप्लेन का, रॉकेट का, मशीन्स का कई तरह के डिज़ाइंस कंप्यूटर द्वारा निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। ये सुंदर सुंदर डिज़ाइन हमें निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा, एट पेट्रोल पंप्स, कंप्यूटर आर यूज्ड एट पेट्रोल पंप्स फॉर मेकिंग बिल्स। कंप्यूटर जो है पेट्रोल पंप पर मेकिंग बिल बनाने की काम आता है। दे आर फाइटेड इनसाइड द पंप्स फॉर प्रॉपर फिलिंग ऑफ फ्यूल, और कंप्यूटर द्वारा जो भी फ्यूल डाला जाता है उसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। तो ये था हमारा, किस तरह से हम कंप्यूटर का किस किस जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है, इसे अच्छी तरह से आप रीड करेंगे एंड समझेंगे।